से मिलके मैं बता भी नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती कि कितनी खुशी हो रही है। आप लोगों को हो रही है? जी जी, आपकी दिवाली है जो पूरे हफ्ते चलने वाली है। आप लोग सब रेडी हैं? 24 से 30 तारीख तक हम लोग एक परिवार बनके हमारे बापूजी को, एक्चुअली बापूजी को याद करना भी गलत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता नहीं, मेरा विश्वास है, नीरज का विश्वास है, मेरे पार्टनर नीरज जेटली, वो हमेशा मुझे रोज कहते हैं कि चिंता क्यों कर रही हो, ये बापूजी ही हैं जो कर रहे हैं और वो होगा जैसे वो चाहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जय हो पंडित जसराज के 50वें पंडित मोतीराम पंडित मणिराम संगीत समारोह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, और उससे भी ज्यादा आप सबको नतमस्तक प्रणाम करते हैं हम सब। आशीर्वाद के रूप में आप जोर से तालियां बजा सकते हैं। बापूजी, आपसे आज्ञा लेते हुए, आप जानते हैं कि इस समारोह की प्रथा है कि प्रोग्राम तो होते ही है, लेकिन उससे पहले भी हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है प्रार्थना। तो आज सबसे पहली प्रार्थना हमेशा की तरह एक ट्रेडिशन है। मैं आप लोगों को थोड़े से पीछे ले जाऊंगी कि एक 20 साल पहले तक तो बापूजी ही प्रार्थना डेढ़ डेढ़ घंटा गाते थे, डेढ़ दो घंटा बापूजी रोज। और उसके बाद फिर यंग आर्टिस्ट आते थे, ये वो। तो फिर मैंने ही बापूजी को कहा, बापूजी आप गाते हैं डेढ़ घंटा, हम लोग 15 जन पीछे आपके गा रहे हैं। यंग आर्टिस्ट बेचारे ऐसे हो जाते हैं कि पंडित जी की बात गाना है, नहीं नहीं मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं गाता नहीं। तो इसीलिए रतन भैया से ये ट्रेडिशन अब जुड़ा है कि अब इस समारोह का जो शुरुआत है हमेशा रतन भैया की आवाज़ की प्रार्थना से ही होती है। तो आप सबके आशीर्वाद से और आप सब से इजाज़त लेते हुए, जयेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयेश रंजन जी के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां। रतन भैया जी प्रार्थना। भद्रं पश्यमाक्ष भीर्यजत्राः श्रीरैरङ्गैस्तुष्टुवांसहस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ।
सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मुदाकरात् 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 मोदकम् सदा विमुक्तिसाधकम् मुदाकरात् मुदाकरात् मोदकम् सदा विमुक्तिसाधकम् कलाधरावतंसकम् विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकम् विनाशिते भजेत्तकम् नताशुभाशु नाशकम् नमा विनायकम् नमामितं विनायकम् वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ असतो सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ
रतन भैया की आवाज की जो पाकिजगी है उसकी कोई तुलना आज की तारीख में इस पृथ्वी लोक में करना बहुत मुश्किल है। और अगर मन से बजा रहे तो जोर से बजाइए, वरना कोई कंपल्शन नहीं है ताली बजाने का। इट इज नॉट कंपल्सरी, बट इफ यू फील लाइक इट देन रेसिप्रोकेट विद फुल गत्सो। जैसे कि 1 2 3 थैंक यू थैंक यू। हैदराबाद मूड में आ रहे हैं अभी, आहिस्ता आहिस्ता हल्लू हल्लू। और एक हम लोगों ने पिछले साल एक कोशिश की थी जिसका हमने नाम दिया था मेवाती प्रेयर, जो हमारा घराना है मेवाती घराना, उसके जो जितने गुरु हैं सब यहाँ पर विराजमान हैं, लेकिन उनको एक सिर्फ फोटोग्राफ बना के रखना ये एक नाइंसाफी है। उनको संगीत के माध्यम से हम उनको उजागर करें, उनको अगर याद भी करें, और एक्चुअली हम करते भी हैं, लेकिन कई बार वो एक सांगीतिक प्रस्तुति होती है, एक म्यूजिकल प्रेजेंटेशन होता है, इसलिए कभी हम बताते नहीं कि ये पंडित मोतीराम जी की बंदिश है या ये उस्ताद हमारे जो घराने के उस्ताद है जिन्होंने ये मेवाती घराना शुरुआत की, उस्ताद गग्गे नज़ीर खां साहब की ये बंदिश है या बाकी के जो गुरु हैं। तो इसलिए हमने पिछले साल एक कोशिश की थी, सोचा था 20 मिनट में हो जाएगा, लेकिन 1.5 घंटा चला। हमारी हमेशा यही प्रॉब्लम होती है। तो अब की बार हमने सोचा कि इसको बहुत खूबसूरत तरीके से और भी उजागर करेंगे, और मुझे यकीन है कि आज के बाद ये प्रथा बाकी भी सारे घरानों में और सारे फेस्टिवल्स में ये शुरू होगी। तो फिर बहुत सोचा गया, मैं रतन भैया अंकिता स्वर नीरज वगैरह हम सब सोच रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना ये एक मेवाती प्रेयर अब की बार हमारे जो घराने के एक चिराग ही नहीं लेकिन एक बहुत खूबसूरत दीप है उन्हीं को कहें कि इन सारे जो गुरुओं के जो सांगीतिक गुरु हैं उनकी कलाकृति को, इनकी जो सांगीतिक जर्नी है उसको प्रज्वलित करें, उसको और हम ब्राइटन अप करें, लोगों को आप तक पहुंचाएं। आप तक पहुंची हुई तो है ही। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि माता काली का बंदिश किसने लिखी है? हाथ ऊपर करिए। माता काली का बंदिश जानते हैं? यस और नो? यू नो बट यू डोंट रिमेम्बर कि ये लिखी किसने है या किसने कंपोज की है। माता काली का बंदिश इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर बंदिश इन द लास्ट 100 years ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जो एक जर्नी है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर 100%। उसको संगीतबद्ध राग अडाना में पंडित मणिराम जी ने की है, संगीत महामोपाध्याय पंडित मणिराम जी, जो बापूजी के बड़े भाई और गुरु हैं, और इसको लिखा था बापूजी के स्पिरिचुअल गुरु जी, जो उनके यहाँ पर भी तस्वीर है, महाराणा जयवंत सिंह जी वाघेला फ्रॉम साणंद दरबार। जब बापूजी और पूरा परिवार हैदराबाद से जब यहाँ से निकले कि पार्टीशन के टाइम पे, तो साणंद दरबार में राज पंडित मणिराम जी राज गायक थे और बापूजी तब भी तबला बजाते थे, तो वहाँ पर गए, तो वहाँ पर ये उन्होंने ये बंदिश बनी थी। तो ऐसे कई बंदिशें हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, लेकिन एक थोड़ा थोड़ा ज्ञान या थोड़ी थोड़ी और जानकारी, ताकि कल को अगर KBC में पूछा गया तो आप लोगों के पास जवाब होगा। करेक्ट? आपको हंसी आई, मुझे अच्छा लगा, बिकॉज ही इज लिसनिंग टू मी। बाकी सब लोग देख रहे हैं इधर उधर, कब आएंगे संजीव। तो बहुत प्रेम से हम आमंत्रित करते हैं आज के हमारे जो कलाकार हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ संजीव के स्टूडेंट्स को, उनके ये गुरु शिष्य परंपरा चलती रहती है तभी घराना बनता है। जो संजीव जी के जो सारे स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ साई प्रसाद पंचाल, धनंजय भास्कर, मुक्ता जोशी, मुग्धा गावकर, विलीना पात्रा। जल्दी जल्दी
लड़कियों को हमेशा आने में टाइम लगता है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। कीबोर्ड्स पे हैं अनय गाडगिल। अनय आइए आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हारमोनियम पर है अभिनय रवंदे। पखावज पर है सुखद मुंडे। जोरदार तालियां। तबले पर है अजिंक्य जोशी और आशय कुलकर्णी। इस पूरे कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत आप सबका। इस पूरे जो परफॉर्मेंस को एक ढांचा देने का काम मैं हमेशा किसी ना किसी के सुपुर्द कर देती हूँ। जितने भी मेरे दिमाग में खुराफाती ख्याल आते हैं मैं किसी को रिस्पॉन्सिबल बना देती हूँ ताकि वो उस काम में मगन रहे हैं। और सबसे पहले नाम मेरे दिमाग में अगर आता है तो वो है द माइस्ट्रो केदार पंडित। कमाल के कलाकार, बहुत बहुत स्वागत केदार। और हमारे मेवाती घराने के पंडित, हमारे मेवाती घराने के बहुत बहुत गुणी, बहुत कलात्मक, एक बहुत खूबसूरत टर्म है जो पुराने जमाने में सिर्फ यूज करते थे। जब एक कलाकार एक उच्च कोटि तक पहुंचता है तभी कहा जाता था कि ये गवैया है, वरना तब तक वो गाना गाता है, गाता है, लेकिन गवैया उसको कहते हैं जिसकी रिस्पेक्ट होती है सांगीतिक जगत में। बहुत बहुत प्राउडली मैं इस मंच पर मेवाती घराना प्रेयर या मेवाती घराने की प्रार्थना स्वरूप इसकी पेशकश करने के लिए बुला रही हूँ द माइस्ट्रो पंडित संजीव अभ्यंकर। और मेरी माँ मुझे लगता है 3 साल के बाद लॉकडाउन बापूजी के जाने के बाद पहली बार घर से आई है और सीधी हैदराबाद आई है। प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्रीमती मधुरा पंडित जसराज। हम उनको गिव हर अ स्टैंडिंग ओवेशन। दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट हर कॉन्ट्रीब्यूशन। ये 50 साल अगर पंडित जसराज जी को किसी ने कहा है कि आप जो मन में आया करिए मैं आपके साथ हूं, तो ये व्यक्ति मधुरा पंडित जसराज, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन टू पंडित जसराज लाइफ एंड टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज अनपैरेलल एंड वेरी सेल्फलेस। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। बैठ जाइए। थैंक यू। God bless, all the best, and Jai Ho!
मैं तुम्हें
गले मोतिया गले मोतिया माँ पायन झांझरिया पायन झांझरिया झनकारे बिरवा मुरारी 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 मंगा दे मुरारी मंगा दे बिरवा जी ने मेरे आने के पहले क्या बात की मुझे मालूम नहीं, मैं संक्षिप्त में जिस बोलते जाऊंगा। पहली जो बंदिश थी, सरगम थी, जो वो हमारे मेवाती घराने के प्रथम पुरुष उस्ताद गगे नजीर खान साहब की बनाई हुई थी, और मैंने सीक्वेंस पे हम लोगों ने उसको नहीं लिया है, सो आई जस्ट कीप ऑन एक्सप्लेनिंग किसकी बंदिश है। उस्ताद गगे नजीर खान साहब के बाद उन्होंने सिखाया पंडित नथुलाल जी और चिमन लाल जी को, उनकी एक सरगम अभी प्रस्तुत होगी यहाँ पे राग मारवा में। लेकिन जो ये शुद्ध कल्याण की द्रुत है वो जिनको पंडित नथुलाल जी ने सिखाया वो पंडित मोतीराम जी और पंडित ज्योतिराम जी। मोतीराम जी पंडित आप तो जानते हैं, उनके नाम से ही ये होता है, उनके भाई साहब। तो पंडित ज्योतिराम जी की बनाई हुई वो रचना थी शुद्ध कल्याण की पिहरवा। सो अब मारवा में, राग मारवा में पंडित नथुलाल जी और पंडित चिमन लाल जी की एक सरगम पेश होगी।
अब मैं दो रचनाएं प्रस्तुत करूंगा। पहली है राग नगद ध्वनि कानड़ा की, हमको बिसार कहाँ चले सलोने सैया, ये है पंडित मोतीराम जी की। और उसका जो जोड़ है राग हुसैनी कानड़ा, मैं वारी वारी गिरिराज दुलारी, लिखा है उसको साणन महाराज जी ने, महाराणा जयवंत सिंह जी वागेला, और संगीतबद्ध किया है पंडित मणिराम जी ने। आ
हमको बिसार कहाँ चले सलोने से हमको बिसार कहाँ चले सलोने से हमको बिसार कहाँ चले सलोने से हमको बिसार सलोने से आ तुम तो चतुर पारे मैं भोर से तरस रही अब मैं कैसे करूँ ना मन जे आम को विसार कहाँ चले सलोने से आम को विसार कहाँ चले सलोने से आम को बिसार कहाँ चले सलोने से आ तुम तो चतुर बारे मैं भोरे से तरस रही अब मैं कैसे करूँ ना माने जे आम को बिसार कहाँ चले सलोने से आम चले सलोने से आम को बिसार कहाँ चले सलोने से आम सलोने से सलोने से बिसार सलोने से हमको विसार कहाँ चले सलोने से हमको विसार कहाँ चले विसार कहाँ सलोने से आम को बिसार चले सलोने से आम को बिसार बिसार कहाँ चले सलोने से बिसार कहाँ चले सलोने से सलोने से हमको बिसार कहाँ चले
तुम तो चतुर बारे मैं भोरे से तरस रहे, अब मैं कैसे करूँ ना माने जे आम को सलोन से आ तुम तो चतुर बारे मैं भोरे से तरस रहे, अब मैं कैसे करूँ ना माने जे आम को भरी नगरिया तुम भी न सुनी, भरी नगरिया भरी नगरिया तुम भी न सुनी, अखियाँ इस दिन बरस रही लाख सलोनिया जग माही, लाख सलोने जग माही, हम ही काहे तुम चले चले, हम ही काहे तुम चले चले, हम ही काहे तुम चले सलोने से चले सलोने से, हम ही काहे तुम चले चले रे सानी रौपदनी सानी लगम रे सा, हम ही काहे तुम चले सलोने से, हम ही काहे सलोने से आ, भरी नगरिया तुम भी न सुनी, भरी नगरिया तुम भी न सुनी, नगरिया नगरिया न चले बिसार का चले
मैं वारी वारी गिरिराज दुलारी, 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 मैं वारी वारी गिरिराज दुलारी। बल बल जय हो मधुर मुरत पे, बल बल जय हो मधुर मुरत पे, मधुर मुरत पे, बल बल जय हो मधुर मुरत पे, बल बल जय मधुर मुरत पे, बल बल जय हो मधुर मुरत पे, बल बल जय हो मधुर मुरत पे, बल बल जय हो मधुर मुरत पे, गिरिराज दुलारी, मैं वारी वारी 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 गिरि गिरिराज दुलारी, मैं वारी वारी गिरिराज दुलारी, बल बल जय हो मधुर मुरत पे, बल बल जय हो मधुर मुरत पे, बल बल जय हो मधुर मुरत पे, मैं वारी वारी गिरिराज रतन जड़ित सिंहासन राज, 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 रतन चंवर छत्रधारी, मैं वारी वारी गिरिराज दुलारी, मैं वारी वारी गिरिराज दुलारी, मैं वारी वारी गिरिराज दुलारी, दुलाजी निसार रे भगव सारे मरे सारे रे गा मरे सारे सारे राने बम्मा पदा ने साप गा मरे ने सामा गिरिराज दुलारी, मैं वारी वारी सारे रे गा मरे राने सारे mani ni ba 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 ga ga mare da ni re re sa re ga ga mare da ni sa da da ni ba ma ba pa re re sa ni sa re ga ga mare da ni sa sa ma pa ga mare da ni sa re ga ni ma ba ga ma sa ma pa ma ba ga ma mai mari mari giriraj dulari ma ba ba da da ni ni sa ni ba ma pa ga ma sa re ni sa da ni ba ma pa da ni re sa re ga mare da da pama pa dani re re ni sa re ga ma re sa sa ma ga ma sa re ni re sa re ni sa dani pani ma
चंद्रपदन सिर पे शशि बिंदिया, 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 नन कजर बेजरा छवि नारी, नन कजर बेजरा छवि नारी, नन कजर बेजरा छवि नारी, मैं वारी वारी गिरिराज दुलारी, मैं वारी वारी गिरिराज बाद साई प्रसाद पांचाल और विलीना पात्रा दोनों एक जसरंगी प्रेजेंट करेंगे। वो हमारे गुरुजी का रिप्रेजेंटेशन होगा, ये जो परंपरा में अभी चल रहा है। उस्ताद गगन अजीर खान साहब, पंडित नथुलाल जी, चिमनलाल जी, पंडित मोतीराम जी, ज्योतिराम जी, फिर मेरे गुरुजी और प्रताप चाचा जी, पंडित प्रताप नारायण जी, उनकी बाद में आएंगे। तो अभी मेरे गुरुजी की जो एक कंट्रीब्यूशन पूरी संगीत की दुनिया को परपेचुअली हो गया है, वो है जसरंगी राग पूरी अधनाश्री और राग शुद्ध धैवत का ललित, ये दोनों थोड़े समय के लिए प्रेजेंट करें। T20 जसरंगी।
संजय ते दोन वेगवेगळे सूर आहेत, एक फक्त मुक्ताचं माईक इथे देऊ का खाली या ॲटम पुरता, म्हणजे मग ते काळी चार आणि काळी एक दोन स्टँड आउट होतील, आता अदरवाईज फक्त एकच संपूर आहे. मुक्ताचा देतोय. ठेवू खाली. हा ठेवतो. मॉनिटरला बारीक करावं लागेल. परफेक्ट आहे एकदम. श्याम मुरारी वन भारी तेरे धारे श्याम
लाल नंद जो के राधा रमण को जबिहारी, राधा रमण को जबिहारी, श्याम मुरारी बनवारी गिर धारे, श्याम मुरारी बनवारी गिर धारे, श्याम श्याम मुरारी
Shama Murari Bhagavan.
पाम राम रानी सानी रे पांचों मेरे स्टूडेंट्स है, काफी साल से सीख रहे हैं। मुक्ता जोशी, साई प्रसाद पांचाल, विलीना पात्रा, मुग्धा गांवकर, धनंजय मास्कर, ये उड़ीसा से है, ये गोवा से है, नांदेड़ से है, ये पुणे से है और ये मुंबई से है। गुरुजी के यहाँ भी हम लोग ऐसे ऐसे थे ना, कोई आसाम से था, कोई कलकत्ता से था, कोई चेन्नई से था। अब पंडित प्रताप नारायण जी की एक मालकों सराग में रचना मैं गाऊंगा और उसको जोड़ है राग कौसी कनाडा में पंडित मुकुंद लाड जी की। बहुत बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट थे पंडित मुकुंद लाड जी मेवाती घराने से, और गुरुजी के गुरु भाई भी थे, दोस्त भी थे, फ्रेंड भी थे, फिलोसोफर भी थे। तो मालकोंस और मुझे बनारस में प्रताप चाचा जी ने ये बंदिश सिखाई थी मालकोंस की, मध्यम खुद सिखाए थे संकट मोचन मंदिर के गेस्ट हाउस में। हार्मोनियम कमी कर बारू की भीत प्रीत
धन जो बन आन बान, धन जो बन आन बान, बारों की भीत प्रीत, बारू भीत, बारू की भीत प्रीत, 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 धन जो बन आन बान, 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 बारू की भीत प्रीत, धन जो बन आन बान, अब है अब नाही जान, ni sa ga 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 ma ga sa ni sa ma ga ni ga ma ni ra sa dha ma ga sa ma na ma na va to ma na ma ga ma sa ni sa ni da ni ma na ni da ma ga da ma sa ni da ni ma ni da ma da ga da ma ga sa ni sa sa ga ma da ma da ga da ma ga sa ni sa ga sa ni da ni sa ga sa ga ma na ma ni da ma ga ma ga sa ni da sa ni ma ni da ga ni da ma ga da ma ga sa ga ga da ni da sa ni ga ma sa ni da ma da ga da ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga sa ni da ni da ma ga ma da ni sa ga ma da ni da ga sa ni da ma ga ma sa ni da ma ga sa sa re sa ga sa ga ni sa da ni ma ga ga ma sa ga ni sa ma na ma na va to ma ma na ma 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 na va ba to ma ab to ma ab to ma na ab to ma मान 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 अब तो मान मान अब तो मान बारू की भीत प्रीत बारू की भीत प्रीत बारू धन जो बन आन बान अब है अब नाई जान मान मान अब तो मान 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 सगळे चालू ठेव माई अब तो मान बारू की भीत प्रीत धन जो बन आन बान धन जो बन आन बान धन जो बन आन
अब है अब नाही जान मान मान सरन पगम रे रे काट को मंत्र नहीं 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 रे मैं का दस गयो कारो ना ग मंत्र नहीं काट मंत्र नहीं मंत्र नहीं। कृष्ण को काला नाग बोला है। उस कृष्ण ने एक बार अपनी प्यार भरी नजर से काटा तो उसको कोई मंत्र नहीं है। और मेरी हालत क्या हो गई, गर्प करे सो भव की झरत है, अंदर से इतनी विरह अग्नि जली हुई है और वो तो खेलत रंग सो भाग, उसको तो कुछ पड़ी नहीं है। मंत्र नहीं काट को मंत्र नहीं काट को मंत्र दरन पागम रे निसाम मंत्र नहीं काट को मंत्र नहीं दे रे 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 सरे गा सदन पगम मंत्र नहीं काट ni sare re ga ga ma re sa ga ni sa da ga ga ma sa pa ma pa ga ni pa ni ma pa ga ra ni sa ni ga ma ga sa ni re ga ma re sa da ni da ga ma sa da ni pa ga ma da ni pa ma antar nahi ka मंत्र नहीं करप करे जो भभ की झरत है करप करे जो भभ की झरत है वो तो खेलत रंग सो भाग मंत्र नहीं काट को मंत्र नहीं काट को मंत्र नहीं हम लोग लीगेसी प्रेजेंट कर रहे हैं तो सब चीजों में थोड़ा थोड़े अलग अलग चीजें मैं दिखा रहा हूं, हर बंदिश में सेम पैटर्न से ट्रीटमेंट नहीं करा। अब मेरी खुद की रचना होगी और उसके बाद अंतिम आज की मेरी प्रस्तुति की रचना होगी माता काली का से। राग आसामांड में स्वरबद्ध की मेरी हुई रचना है। अपनी अपनी रचनाओं का महत्व ये होता है कि जो गायक है उसकी जो विजन है वो
वो अपनी कॉम्पोजिशन में कैद कर लेता है और उसको जिस तरह से विस्तार करना है, देर आर टू वेज ऑफ कॉम्पोजिंग. एक होता है कि कॉम्पोजिशन सूझ जाता है और फिर जैसे भी बन जाता है, और एक होता है कि मुझे जिस तरह से विस्तार करना है उस तरह से कॉम्पोजिशन बनाओ. सो माय इंटरप्रिटेशन ऑलवेज इज, मुझे जिस तरह से विस्तार करना है वैसे मैं कॉम्पोजिशन बनाता हूँ. और लीगसी में प्रवाहित वो होता है, लीगसी रुकती नहीं है. सो आई एम वेरी प्राउड कि गुरु जी के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आज बहुत खूबसूरत रचनाएं बनाते हैं और अपनी अपनी रिपोर्टर में मेवाती घराने की जो संपत्ति है उसमें कंट्रीब्यूट करते रहते हैं. लेकिन उसकी जो नींव रखी है वो गुरुजी ने रखी. मेवाती घराना बहुत पहले से चला रहा है, लेकिन जो इस तरह से उसको दृष्टि देने का जो काम है कि जैसी गायकी करनी है वैसी रचनाएं चाहिए. Mm-hmm.
कुंज गली में वृंदावन की कुंज गली में कुंज गली में रीत छोड़ अनरीत करो ना रीत छोड़ अनरीत करो ना रीत छोड़ रीत छोड़ अनरीत करो ना रीत छोड़ दसर मगर सान सारे पदम मगर गसन साध पद म पद रे सान गर गस दसर मगस सार रे मगर गसान सान राम वृंदावन जगलिन में रीत छोड़ अनरीत करो ना रीत छोड़ अनरीत करो ना छेड़ो ना कान छेड़ो ना कान छेड़ो ना कान मुरी बई मेरी खुद की रचनाओं का 14-15 घंटे का रिकॉर्डिंग मेरे वेबसाइट पे sanjeevabhyankar.com पे फ्री डाउनलोडेबल है यू कैन ऑल एंजॉय देम। अब समाप्ति करेंगे। माता काली का के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः महाशक्तये नमः। सारी बाबा बाबा नरेश सारी बाबा बाबा नरेश।
Kalika
जगत जन जन जगत जननी भवा काली काली
दे खड़ग मुंड खपर कर धरन कर धर कर धर हजूरा
क्या बोलूं, शब्दहीन हूं, क्योंकि जी बस संगीत का रास्ता ही अगर आपके दिल तक पहुंच गया ना, ईश्वर वहीं पे है। मैं ये बात परम सत्य है। कोई भी कितने भी शब्द आपके पास हो, आपको पूरी डिक्शनरी अगर कंठस्थ भी हो, तो जब ऐसा कोई पल आता है आपको कभी कोई शब्द सूझ ही नहीं सकते, बिकॉज दिस इज व्हाट म्यूजिक इज सपोज टू डू, एलिवेट योर सोल। आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा लगा कि ईश्वर के दर्शन हुए, कितने लोगों को लगा कि बापूजी यहीं थे हमारे साथ, लगा ना? और कितने लोगों को लगा कि बापूजी इन सब कलाकारों को और संजीव को और केदार को, प्लीज यहाँ खड़े रहो, बहुत प्यार से आशीर्वाद दे रहे थे और कह रहे थे जय हो। ये अगर लगा है आप लोगों को, और अगर ये लगा भी नहीं और अब लग रहा है, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ 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 एक शून्य की तरह संगीत सुन रहे थे, तो ये सत्य है, ये संगीत का परम सत्य है। इससे ज्यादा आप चार ताने मार ले, आपको 10 राग और आए, उसका संगीत वो ज्ञान है। संगीत सिर्फ आपके दिल तक पहुंचता है, आपकी आंखों से आंसू आते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, किसी के रोंगटे खड़े होते हैं, किसी को और कुछ अनुभूति होती है। और ये केदार कह रहा है सच में, कुछ कहना चाहोगे? लेकिन ये हमारी 50वें जय हो पंडित जसराज, पंडित मोतीराम, पंडित मणिराम संगीत समारोह की सबसे पहली मेवाती घराने की प्रार्थना, और इसके बिल्कुल मैं कहूंगी कि काबिल उत्तरदायित्व है। इतने बड़े बड़े गुरुओं ने अपने अपने घराने में, इस घराने में योगदान दिया है, और आज अगर इस मंच को, इस घराने को आगे ले जाने में बहुत बड़ा अगर किसी का हाथ है, तो वो है संजीव अभ्यंकर, पंडित संजीव अभ्यंकर। कुछ लोग घराने में आके उनका ऑफ कोर्स इट इज अ प्रिविलेज टू बिलोंग टू अ बिग घराना, इट इज अ प्रिविलेज टू हैव ग्रेट गुरु, बट समटाइम्स इट्स आल्सो बोथ वेज। एज मच एज संजीव इज फॉर्चुनेट टू हैव हैड बापूजी'स लव ब्लेसिंग्स एंड टू हैव हिम एज गुरु, बापूजी वाज आल्सो, और रादर बापूजी इज आल्सो इक्वली फॉर्चुनेट एंड प्रिविलेज टू हैव संजीव एज अ स्टूडेंट। इसको कहते हैं घराना, इसको कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा, और मैं उम्मीद ये करती हूँ कि आप लोगों ने सबने जो इतना अच्छा गाया कि आप एक दिन अपने गुरु का नाम रोशन करेंगे और मेवाती घराने को और आगे लेके जाएंगे। बहुत खुश हूँ इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ, और वैसे भी मुझे आदत है कि इस मंच पे मैं ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन रहा नहीं जाता है, पूरे साल ये सोचती रहती हूँ कि क्या होगा कैसे होगा। बहुत खुश हूँ केदार, तुम्हारे लिए मैं कभी भी कुछ कहूँ तो कम है, लेकिन किसी भी कल्पना को सांगतिक रूप में आकार कैसे दे सकते हैं ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखते हुए, तो मुझे लगता है केदार पंडित से बेहतर क्लासिकल म्यूजिक, सेमी क्लासिकल म्यूजिक, स्पिरिचुअल म्यूजिक में इस कलाकार से बेहतर शायद ही हो, या पता नहीं। केदार यूनिक है, केदार बहुत यूनिक है, भगवान इसको बहुत और ताकत दे, म्यूजिकल ताकत दे, और आप लोगों का कितना प्यार मिलेगा इसको। एंड कैन यू बिलीव, थैंक यू ऑल, थैंक यू वंडरफुल म्यूजिशियंस, आशय कुलकर्णी, अभिनय रवंदे, धनंजय, मुक्ता, विलीना, साई प्रसाद, मुग्धा, मुक्ता, सुखद, अनय, अजिंक्य, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी वेरी मच।
और कैन यू बिलीव अभी तक 50वें साल का उद्घाटन ही नहीं हुआ. हम लोग इतनी प्रार्थना करते हैं ताकि आप लोगों के सबके ब्लेसिंग्स हमें मिले. और इस दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी सबसे पहले मेरी माँ. आई एम सो वाई नॉट अभी से चलोगे तो बाकी लोग पहुंचेंगे, तब तक पहुंच जाओगी. माई मदर श्रीमती मधुरा पंडित जसराज जी, साथ ही एक ऐसे मैं कहूंगी पर्सन जिनके एक वाक्य से, एक स्टेटमेंट से इस समारोह की उम्र और लंबी हो गई. बापूजी 17 अगस्त 2020 ईश्वर को मिलने, अपने केशव बाबू से मिलने चले गए. 30 अगस्त 2020 को मुझे एक फोन आता है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि दुर्गा जी, पंडित जी हैज़ डन व्हाट ही हैज़ डन, कंट्रीब्यूटेड टू द लेगेसी हेरिटेज ऑफ हैदराबाद फॉर 47 ईयर्स. नाउ इट इज आर ड्यूटी टू कंटिन्यू द लेगेसी फॉर पंडित जी, द वन एंड ओनली जयेश रंजन जी. जयेश रंजन गारू, प्लीज आप भी आइए दीप प्रज्वलन के लिए. आई उठो ना मैं तुम्हारे लिए. I would also like to call a very beautiful soul, very pure soul, somebody who's become a friend, who's become a mentor, somebody who's guiding us through and through towards carrying on this legacy, this cultural heritage of Hyderabad. Anand Tandon ji, please come. दीप प्रज्वलन करने आप पधारिए. प्लीज गिव हिम अ वेरी वेरी बिग हैंड. थैंक यू सो मच आनंद जी फॉर डूइंग एवरीथिंग दैट यू डू. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉल द ग्रेट लेजेंड हु इज हियर विद अस टुडे फॉर द इनॉग्रल डे of the 50th year of this fantastic and the oldest festival of Hyderabad city. It's my honor, it's my privilege, it's a blessing to have him with us. May I request Ustadon ke Ustad, one of the greatest legends Indian classical music has seen in the history of Indian classical music, Ustad Amjad Ali Khan Sahab. हाँ देव, सब लोग मुझे लगता है संगीत से इतने भाव विभोर हो गए थे. Thank you.
एक्चुअली जब तक कि ये दीप प्रज्वलन करने की जो पूरी एक प्रेपरेशन हो रही है, मैं उस्ताद अमजद अली खान साहब से कहूँगी कि इस 50वें साल के उपलक्ष में आप अगर हमें आशीर्वाद दें और कुछ कहें तो मैं आपको माइक देती हूँ। आ गए, क्या बात। वैसे मैं माइक तब तक दे ही सकती हूँ। अच्छा ठीक है। इस देरी के लिए क्षमा चाहते हैं। पहला दिन है, टीथिंग प्रॉब्लम्स एयरलाइंस में भी होती है। अगर हंसी आई तो जोर से हंस दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, वरना मैं खुद ही बोलती और खुद ही हंसती हूँ। मुझे सबके अच्छे अच्छे दिख रहे हैं मगर आवाज नहीं आ रही। आप में से कोई नहीं, मगर कह नहीं सकते। इस विलंब के लिए नतमस्तक हो के आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। जयेश जी, आनंद जी, आप आइए यहाँ पे प्लीज। प्लीज जोरदार तालियां। जोरदार तालियां जयेश रंजन जी के लिए। और जो आनंद फैला रहे हैं चारों ओर, आनंद रंजन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच ऑल ऑफ यू। Jayesh ji, I'd request you to come on the stage and speak. Achha, baad mein. Yahan par ek instrument maker aaye hue hain jo Hyderabad ke hi hain, jo unki puri family 100 saal se adhik veena banati aa rahi hai. Unke ग्रैंडफादर का नाम है रत्न वर्मा, पिताजी का नाम है लक्ष्मण राव। वो उनके बेटे का नाम है रत्न वर्मा अगेन, और उनकी खुद की उम्र है 81 साल की, 81 years, और वो यहाँ पर हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन 28 जनवरी को लॉन्च किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने? आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं? जानते हैं, जानते हैं, गुड। हैदराबाद इज गेटिंग वेरी अवेयर, वेरी गुड। तो ताली कौन बजाएगा पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन के लिए? और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब लॉन्च किया और हमने जब ऑब्जेक्टिव्स उनको बताए थे कि इंस्ट्रूमेंट मेकर्स की तरफ हम ज़्यादा ध्यान देंगे, तो ये पहल हम हैदराबाद से शुरू कर रहे हैं। और इन्होंने पीछे अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है। अगर आप में से कोई भी अगर एक वीणा आपके पास है तो आप इनको मिलकर इनके पास जाकर अपना डायरेक्टली उनका सुधार कर सकते हैं ताकि मेंटेनेंस एक अव्वल दर्जे का हो। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए, आपको प्रणाम। चिपंडी, ये चिपंडी है, ये चिपंडी है, लिटिल नमस्कार। अंदर के नमस्कार है लिटिल, ये चाला संतोष को दी मेरे नंदो, ये तो मोल तो नॉन लिटिल को ची नंदो, इतना और कुछ जिसको ची जी सर लिटिल भी यंत्र को अपना दान की चाला ही है से पूछना लिटिल। और देर टीचे फादर का टीचिया बाव दादा का टीचे वो टीचर्स ना बोले। थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां इनके लिए। इनकी भी जो एक संगीत की सेवा है, थैंक यू, इनकी सेवा शुड नॉट गो अननोटिस्ड। इसीलिए हम अब अक्सर आपके सामने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट मेकर्स को अक्रॉस इंडिया से आपके पास लाएंगे, और आप बस आशीर्वाद दीजिए कि हम ये कार्य
अच्छी तरीके से करें। थैंक यू गारू, थैंक यू सो मच। Can we have the brand AVs, please? What do you find when you dig deep into the depths of the earth? We found a few rare elements, like commitment, compassion, a passion for perfection, and a vision for a stronger and better tomorrow. That is NMDC. It's not just a pioneering story of one of the world's finest iron ore producers, but a story of leadership with a human touch. Thank you so much. Thank you, NMDC. Thank you very much. Please give them a very big hand. Thank you for supporting Indian classical music. Without the support, this would not be possible. I'd also like to thank, in fact, I must thank the government of Telangana and HMDA for supporting this festival in such a big way that we are able to do actually justice to the 50th year, the golden jubilee year of Jai Ho Pandit Jasraj, Pandit Motiram, Pandit Maniram Sangeet Samaroh. Big, big, big hand for Government of Telangana and HMDA. Thank you very much. And I leave the stage for Ustad Ji with just a quick introduction to the young, extremely fastest rising star of tabla, Ishan Ghosh. And on Mridangam is
the favorite of the family, most of the musicians you may have seen. I'm sure you've seen him so many times. I think for about 20, 25 years, he played continuously with Bapuji. The most versatile mridangam player of his generation, the maestro, Sridhar Parthasarathy. Truly blessed and proud and privileged to have Padma Vibhushan, Ustad, Amjad Ali Khan Sahib with us. Pranam aapko, bahut bahut pranam. Namaskar, Adab. It's a great honor and privilege to offer my musical, humble musical tribute to my dear brother, elder brother, Pandit Jasraj Ji. Hum logon ka bahut purana sambandh hai. Hum sab ek hi parivar ke hain. Aur Durga बचपन से हम दुर्गा को देख रहे हैं. दुर्गा जी, दुर्गा जसराज, शी इज मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फैसेटेड फिगर. कलाकार हैं और इनकी कला आप सब देख चुके हैं टीवी पर एज एन एक्टर, और संगीत की सेवा कर रही हैं और लोगों को आनंद देने की कोशिश कर रही हैं. तो स्वर ही ईश्वर है, हम लोग हमेशा ये कहते हैं. Everybody is born with sound and rhythm. Some realize and some don't realize. The heartbeat is an indication of rhythm, and what we speak, conversation, recitation, chanting, all part of music. We have compositions in classical music, but sometimes we ignore them and we give more importance to alap, jod, jhala. That's, everything is important, but compositions were created to preserve the raag. To aaj samay bhi kam hai aur main bahut zyada lamba concert nahi de raha hoon, but I would like to present few beautiful composition raag darbari se main shuru kar raha hoon. Thank you. Thank you.
इलाज करो, इधर जा रहे हैं दादा तक। Thank you.
Next item, a composition Rag Durga. Thank you.
We'll conclude the recital with two beautiful songs by Rabindranath Tagore. Beautiful songs composed and written by Rabindranath Tagore. Thank you.
मैं जब सब सुन रही थी, उस्ताद जी को सुन रही थी, तो मैंने कहा कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमने ये युग देखा है और सुना है जब उस्ताद अमजद अली खान साहब की सरोद पूरे विश्व में गूंज रही है। और हम आज सचमुच, आई एम फीलिंग पर्सनली, और मेरे साथ मुझे लगता है रतन भैया और हमारे तमाम मेवाती घराने के शिष्य और पंडित जसराज फैमिली आर फीलिंग सो ब्लेस्ड कि उस्ताद जी यहाँ पर आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग। कभी कभी मुझे एक लाइन याद आती है जो मुझे बचपन में सुनाई थी कि बुजुर्गों की तारीफ नहीं की जाती, क्योंकि बुजुर्गों से तो हम सीखते हैं, हम समझते हैं। और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है, दिस इज ट्रूली अ मोमेंट व्हिच इज सो प्योर, इट्स अ ब्लिस टू हैव विटनेस दिस। Firstly, the 50th year of Jai Ho Pandit Jasraj, Pandit Moti Ram, Pandit Mani Ram Sangeet Samaro, और उस 50वें साल के inaugural day का finale performance couldn't have been anybody else but the one and only, one of the greatest legends ever of Indian classical music, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan Sahab. I request जयेश रंजन जी टू प्लीज कम ऑन द स्टेज टू फेलिसिटेट द आर्टिस्ट। हमारा एक हम्बल टोकन है। चाचा जी, थैंक यू फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स। मैं एक बार आपके पैर छूना चाहती हूँ, आप चले ही गए। इधर है चरण कमल लेके आइए। हाँ वही, बहुत सुंदर। प्लीज अदिति कहाँ गए? हाँ हाँ, रेड पे रेड ही अच्छा है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर द लाउडेस्ट एवर। द माइस्ट्रो श्रीधर पार्थसारथी अन्ना, and as I said, the fastest rising star of tabla, Ishan Ghosh. In 2018, that little boy had played a tabla solo here, right here on the stage, Ishan Ghosh. Maa, maine aapko isliye nahi bulaya kyunki wahi se bolo jai ho. जयेश जी, यू शुड स्पीक, नहीं आज ही थोड़ा सा एक कुछ तो दो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर पेट्रोनाइजिंग द वेरी स्पेशल माइलस्टोन इवेंट विच हैज बिगन टुडे, एंड very happy that so many of you music lovers have stayed till late to enjoy such once in a lifetime kind of experience. So let's enjoy for the next 6 days as well. Some great artists have been lined up, so congratulations Durga ji. Thank you Jayesh ji, thank you for being such a driving force. Thank you very much, a big hand for him. And as Jayesh ji said, for the next 6 days, aaj to ek hi din hua hai, abhi aur 6 din hai, tomorrow we would pay a tribute to the one of the greatest musicians, Pandit Shivkumar Sharma ji, and to do that, Rahul Sharma is already here, and followed by a fabulous ghazal performance by the maestro Hariharan. Hope aap log sab aayenge. Kya awaaz hi nahi aati? हाँ ठीक है, तो
तो 7:30 बजे कल शुरू हो जाएगा, आज का टीथिंग प्रॉब्लम खत्म। टुमारो वी स्टार्टेड डॉट 7:30, वी स्टार्टेड टुडे एट टाइम। थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, गुड नाइट, जय हो। Decides how it's going to be. Get ready to make way for the brides of India with Malabar Golden Diamonds.